आज मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये एक अनुभव की, मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा, अनुभव किस चीज़ का, बहुत सारे स्टूडेंट से मिलने का। आए दिन कोई ना कोई आता रहता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई पश्चिम बंगाल से आता है, कोई बिहार से आता है, कोई झारखंड से आता है, कोई राजस्थान से आता है। मैंने सबकी समस्याएँ देखी हैं। बहुत कम समय में आता है, कोई बैठ जाता, बड़ी आस लेके आते हैं, और आस लेके आने के बाद जो है मैं उनकी समस्याएं देखता हूँ। समस्याओं में एक चीज़ निकल के आती है, आप लोगों की प्रॉब्लम। आपकी मैं आज एक प्रॉब्लम बताता हूँ, शायद आप उस प्रॉब्लम से ग्रसित हों जिसके कारण से आपके अंदर 50 समस्याएं हैं। पहली चीज़ सीखिए, आज मैं एक ही चीज़ सिखाता हूँ, एक गुर सिखाता हूँ आपको। यदि आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान न रहना हो तो एक चीज़ सीख लीजिए। पूछे क्या? एक ही चीज़ सीखना है। क्या? यही तो आपको खा जाएगा, यही चीज़ तो मैं मना करने वाला हूँ आपको। आपसे जब भी कोई किसी काम के लिए कहे, काम करने के लिए कहने का मतलब समझिए मेरा, अब यहाँ पे आप गलत अर्थ मत निकाल लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का भरोसा भी नहीं है। आम तौर पे जब भी आपको कोई किसी काम के लिए कहे और वो काम ऐसा हो जो आपको अनिश्चितकालीन लगे, जो आपको लगे कि इसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो आप उसमें हमेशा ना कहिए। ना कहने की पावर, आप ना कहना सीख लीजिए। दरअसल मैं स्टूडेंट को देखता हूँ, स्टूडेंट के साथ दिक्कत ये है कि इस अवधि में ऐसा रहता है कि आप डिपेंडेंट रहते हो, फाइनेंशियली आपके अंदर पावर नहीं होती है ताकि आप सक्षम हो सको अपना खर्चा भी उठा पाने के लिए। तो 99% स्टूडेंट एक गलती कर बैठता शुरुआती दौरान पे, वो गलती हो जाती है उसे हाँ करने की। वो इतनी हाँ करता है हर चीज़ में, इतनी हाँ करता है कि उसे गुलाम जैसा प्रतीत होने लगता है खुद को। हाँ करते हो कि नहीं हर चीज़ पे? हाँ कैसे? जैसे सिलेक्शन को लेकर के, ये आपको लगता है बस एक साल, डेढ़ साल, दो साल बाद मैं खड़ा हो जाऊंगा बन के अधिकारी और फिर मैं कर दूंगा आपकी मदद। 50 सपने दिखाते हो कि बनने के बाद तुम्हें मैं ये दूंगा, उसको ये दूंगा, इसको ये करूंगा। इसके कारण से आप परेशान हो सभी लोग। 99% स्टूडेंट मुझे जो मिला उसके अंदर एक ही प्रॉब्लम दिखी कि वो हाँ करता है हर बात पे, बात बात पे हाँ करते हो आप लोग। आपको लगता है जैसे कोई 10-5 हज़ार आपको दे रहा है तो आपको खरीद चुका है। करते हो हाँ कि नहीं करते हो? आज आप मेरी एक बात सीख लो, 90 से 99% तक कामों में ना बोलना है। जैसे ही कोई काम आपके पास आता है उसको तुरंत हाँ मत करिए, उसको थोड़ा विचार कीजिए, बाद में छोड़ दीजिए, कल सोच के बताऊंगा। जैसे आज मैंने आपसे कोई काम कहा, आप बोलिए सर मैं कल सोच के उसे बताऊंगा, तुरंत मत बोल दीजिए एक्साइट हो गया, अरे नहीं नहीं बहुत अच्छा। हर चीज़ पे विचार कीजिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस समय लगातार परेशान हूँ इस प्रॉब्लम से। मेरे पास क्या होता है कि दिन भर में कम से कम 1000 फ़ोन तो आते ही होंगे, पर्सनल नंबर की बात कर रहा हूँ। पर्सनल नंबर मैं इसीलिए लाता ही नहीं हूँ, मैं अपना बिजनेस और प्रोफेशनल रखता हूँ, बाकी पर्सनल नहीं लाता। वो पता नहीं नंबर कहाँ से लीक हो गया, उसमें डेली फ़ोन आते हैं, या फिर जो भी फ़ोन उठाता है वो पहले ना करेगा। मैं हमेशा बोल के रखता हूँ कि भाई बात नहीं हो पाएगी, मुलाकात है ना, नहीं हो पाएगी। अब मेरे पास आप आके बैठो, मैं 2 घंटे आपसे दरबार करूँगा, लेकिन पहले ना, पहले ना इसलिए ताकि आपके मन से जो भी आशाएं हैं। एक्चुअली मैं बताता हूँ ना कहने का बेनिफिट क्या है। जैसे कि आपका सिलेक्शन वाली बात है, घर वालों को बोल दीजिए कि 4-5-6 साल कुछ नहीं हो पाएगा। इससे 2 काम होंगे, पहली चीज़ तो उनकी उम्मीदें ख़त्म आपसे, ठीक है। आप हो जाओ अगले ही साल, आप उतनी मेहनत कर डालो कि अगले साल क्या तुरंत हो जाओ। या फिर कोई आपसे मदद मांगता है, दोस्त हैं पैसे मांगते हैं ना कि यार पैसे की व्यवस्था हो जाए, पहले ना कर दो सीधा, मना नहीं हो पाएगा मुझसे, मेरे से नहीं हो पाएगा। बाद में आप उसको 1000 दे दो चलेगा, लेकिन हाँ कहने से एक उम्मीद आप जगा देते हो किसी के अंदर, और उस उम्मीद को इतना बड़ा बना बैठता है कि फिर वो टूटने में सेकंडों लगते हैं, 1 सेकंड में फिर उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि वो आपके हाथ में चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। आप कभी अधिकारियों से मिलिए, ये काम आएगा आपको प्रशासन में बहुत ज़्यादा। अधिकारी 90 से 99% ना कहेगा। मैं एक चीज़ बताऊं, जब कभी आपको कभी अपना काम करवाना हो, कभी जाना हो कहीं पे, यदि कोई ना कह रहा हो ना तो मेरी बात याद रख लेना, कुछ ने चीज़ सीख रखी है। वो काम करेगा 100% आपका काम करेगा, लेकिन वो ना इसलिए बोल रहा क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है। आप अपना काम निकाल सकते हो उससे, लेकिन ना इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो एक एक व्यक्ति नहीं उससे हाँ करवा रहा, कितने लोग लगे हुए हैं, वो करेगा 4-6-8-10-15-20 का काम करता भी है। तो इसीलिए ना करना सीखो अपनी लाइफ में। यदि आप हमेशा हाँ करते रहोगे तो परेशान रहोगे।
मना कर दो सीधा सीधा। कोई भी आपसे हेल्प मांगने आता है पहले मना करो, मेरा स्वभाव अच्छा है, मैं नेचर से अच्छा हूँ तो मैं सीधा हेल्प करूँगा, मैं हेल्पिंग नेचर का हूँ। लेकिन पहले किसी को आशा मत बंधा दो, ये बात समझो मेरी। और यदि हाँ कर रहे हो और वो काम करने की क्षमता तुरंत है तो तुरंत ही कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो आपको परेशान हो जाओगे आप मानसिक तौर पर। बहुत लोगों को बहुत चीज़ों में हाँ बोले बैठे होगे, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ मैं? वो आपको खा जाएगा। हमेशा सोचोगे डेली, जैसे मैं आपसे मांगूं कि यार आज मुझे 10,000 रुपये चाहिए और आपने तुरंत हाँ कर दिया, आपके पास है नहीं व्यवस्था, आपको लगता है नहीं नहीं मैं कहीं से व्यवस्था करके दे दूंगा, अब आप समझो कितना परेशान रहोगे। आपको देना 10 दिन बाद है लेकिन डेली सोचोगे आप। यदि आप पहले ही जुबान में ना कर देते तो मैं दूसरा द्वार देख लेता, मुझे 1 सेकेंड लगता कि मैं कहीं और चला जाता। इसलिए इस बात को समझिए, ये गलतियाँ जो आप करते हो, लगातार आशाएँ बंधाए रहते हो, दुनिया भर की बातें अपने ऊपर जिम्मे में ले लेते हो, ये अच्छी आदत नहीं है, ये आपको परेशान कर देगा। और 99% स्टूडेंट इसी से परेशान है, इसी आदत से। क्यों? उसको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके साथ प्रॉब्लम है। समझ रहे हो मेरी बात को? आप फील भी करोगे, बहुत सारे काम में आप ऐसी गलतियाँ करते हो, ना करके उसका काम कर दो, फिर समझो आपका रिस्पेक्ट कितना बड़ा बनेगा। हाँ करके काम नहीं करोगे, बदनाम हो जाओगे। तो हमें अब ये सीखना है कि हम ना करें और फिर काम को कंप्लीट कर दें, ठीक है ना? ये बात समझ लो, दिमाग में भर लो, ये गलती दोबारा ना दोहराना। हमेशा काम करो, कोई वो काम तो करने का टाइम होता है, सबकी हेल्प करो, लेकिन पहले किसी को उम्मीद मत जगाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि अथॉरिटी में बैठे हो तो वहाँ सबको ना ही कर रहे हो, नहीं निकालो यहाँ से, अरे ये कैसे आ गया, भगाओ यहाँ से, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर उसको वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं है कि आप मुद्दे पे उस चीज़ को समझना है सिचुएशन के आधार पे। ये नहीं है कि आपका घर पे माँ ने कहा कि पानी चाहिए, नहीं है ना, वो फिर गलत हो जाएगा, वो सिचुएशन गलत है, पानी तत्कालिक आवश्यकता है। कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं कर सकते हो, वो आपके हाथ में नहीं है, उस चक्कर में आप ना करने लग गए तो फिर थप्पड़ भी पड़ेंगे आपको, पिटाई भी पड़ेगी। आप भी देखना कि किस अथॉरिटी को नौकर रहे हो। सीनियर कोई काम करा सीधा, ना नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, सीधा कहेगा बेटा रिजिग्नेशन लेटर में होकर मैं तुझे साइन करके देता हूँ, मैं हाँ बोलता हूँ तुझे। तो मुद्दा ये है ना, किसे करना है नहीं करना है ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? तो ना करना आपको ज़िंदगी में इतना महान बना देगा कि कुछ कहने को नहीं, लेकिन सही जगह पर, सही इस जगह पर उसको प्रयोग करना है, ठीक है? मैं आपसे कहूँ टेस्ट देना, आप बोलो नहीं हो पाएगा हमसे, है ना? UPSC का है कि आपको प्रीलिम्स मेन सेंटर, बोला नहीं हो पाएगा हमसे, वो नहीं, वहाँ पे फिर आप अथॉरिटी नहीं हो ना, अथॉरिटी कोई और है, वो बात है। आप सीधा इंटरव्यू ले लो, ठीक रहेगा, ये सब मेन मुझसे ना हो पाएगा, तो कहेगा बेटा तुम निकल लो साइड से, पतली गली से, मेरे से भी नहीं हो पाएगा। ये मुद्दा है, तो ना कहाँ बोलना ये भी सीखना जरूरी है। पता कहीं भी ना बोल रहे हो, काम और बिगाड़ ले रहे हो अपना, ठीक है? किसका काम करना है, किसका काम नहीं करना, ये सीखना है। और ज़्यादा चक्कर मत पड़ो, ज़्यादा समाज सेवा नहीं, अभी कुछ समय के लिए सेल्फिश बनो, स्वार्थी बनो, पहले अपना करियर बनाओ, तभी आप किसी की हेल्प करोगे ना, जब आपके अंदर एबिलिटी होगी हेल्प करने की। अभी से आप बिल्कुल बन जाते हो कि अभी से मैं नरेंद्र मोदी हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मदद क्यों कर रहे हैं लोगों की? क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर हैं। मान लो नहीं होते उस पद पर तो क्या करते बेचारे? नहीं होते ना, वो अथॉरिटी नहीं होती उनके पास जो केवल प्रधानमंत्री को मिलती है। तो मुद्दा इस बात को समझो, आप आपके पास जितनी अथॉरिटी, आप अथॉरिटी से ज़्यादा हाँ बोल देते हो। आपके आपके बस का कुछ नहीं है, हाँ बोले बैठे हो और टेंशन में बैठे हो, फिर सर दबाए बैठे हो, हिमगंगे लगा रहे हो, उससे नहीं सर दर्द सही होगा, ठीक है? डेली टेंशन में हो, डिस्प्रिन की गोलियाँ खा रहे हो, ये सब आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। आप चाहे जिस लाइफ में भी हो, कल के दिन आप प्रोफेशनल लाइफ में, कल जॉब भी पाओगे, कुछ भी पाओगे, हाँ बोल के आप फंस जाओगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसका सबसे ज़्यादा पीड़ित रहा हूँ। मैंने अपने लाइफ से सीखा, मैं 90% ना बोलता हूँ, मैंने बहुत हाँ बोला, लेकिन वो क्या होता है, फिर आपको यूज एंड थ्रो कर देंगे, प्रयोग करेंगे फेंक देंगे, चाइना की पॉलिसी, ठीक है? तो मुद्दा ये है कि आपको हमेशा ना कहना है 99% केस में, ठीक है? लेकिन किसको कहना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आप अपने हिसाब से अपने दिमाग में रखिएगा, इसको ना करके कल के दिन मुझसे तो काम नहीं पड़ेगा, नहीं तो ये भी ना ही बोलेगा, ठीक है? बहुत चीज़ें, अब जैसे आप मुझे ना कहने लग जाओ, मैं भी ना कहने लग जाऊँगा कि आज क्लास नहीं हो पाएगी मुझसे, है ना? तो आपको आज सर आज हम नहीं बैठ पाएंगे क्लास में, ऐसे नहीं ना कहना है। आप अपना नुकसान करोगे, मैं अपना नुकसान करूँगा, जहाँ पर नुकसान हो रहा हो वहाँ पर ना नहीं बोलना है, और जहाँ पे आप अपना नुकसान कर रहे हो वहाँ पे ना
बोल सकते हो, ये सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मैं कोई गलत चीज़ नहीं सिखा रहा हूँ, हो सकता है कि आपके गार्जियन कहने लग जाएं कि आपके टीचर क्या सिखाते हैं, मना करना सिखाते हैं, ऐसा नहीं, घर में मत प्रयोग करना इसको, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन किसी को उम्मीदें मत बंधा पाना यदि उम्मीदें आपकी बस की ना हो, आपके अथॉरिटी में ना हो। पहले कुछ काबिल बनो, तब उम्मीदें बंधाओ लोगों को। अभी उम्मीदें बंधाने से कुछ नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम की जड़ हाँ बोलना है बस, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। अब इनको लग रहा है अंदर ही अंदर कि कितनी जगह हाँ बोला हुआ है, घर पे हाँ बोला हुआ है, रिश्तेदारों को कि बस टेंशन मत लो आके पूरा, है ना। किसी को ये तो नहीं बोल दिया लाल बत्ती में घुमाएंगे, बंद हो चुकी है, सच बता रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि नाना को आपने अपने बोल दिया हो कि नाना बस टेंशन मत लो, वो नाना बेचारे खटिया में हो, है ना, आपके चक्कर वो डेली सोच रहे होंगे कि शायद कल रिजल्ट आ जाएगा, और नाना इस चक्कर में जा ना रहे हो, ठीक है, पता चला उनकी आत्मा भटके बाद में आपके बनने के बाद, कि आपकी लाल बत्ती के चक्कर में नाना भी पड़े हुए हैं। ऐसा मत किसी को आसरा बंधाओ, ठीक है, उन्हें जाने दो, लाइफ जी चुके हैं वो प्रॉपर, अब उन्हें आसरा बंधाए बैठे हो कि टेंशन मत लो, तुम्हारे गांव की गलियों में मैं नीली बत्ती लाल बत्ती में घुमाऊंगा, ये क्या वही आसरा है। ऐसी ऐसी आसराएं आप देते हो जो आपके बस का नहीं है, ठीक है, ये UPSC के बस का है, वो लिस्ट में नाम देगा आपका यदि आपके अंदर क्वालिटी देखेगा तो। ये दिमाग में बैठा लो, इसलिए कभी किसी को उम्मीदें और आश्रम मत दो, सीखो इस बात को। यदि ये सीख गए, एक काम यदि कल कर सकते हो आप तो 3 दिन बाद कर दो, मिस्त्रियों से सीखो, ठीक है, कि 3 दिन बाद हो पाएगा भैया, उससे ये होगा कि सामने वाला 3 दिन बाद का एक्सेप्ट कर रहा है, आप कल कर दिए तो आपकी बड़ी प्रशंसा करेगा कि यार 3 दिन बाद बोला था काम बहुत मेरा फास्ट कर दिया, और जबकि काम 2 ही मिनट का था। मिस्ट्री का काम बहुत ज्यादा नहीं होता, लाइट वाला आता है एक बार बस पेचकस घुमाया काम खत्म, भैया लाइट आ गई, लेकिन बताएगा क्या बहुत लंबा काम है, बहुत टाइम लगेगा, वो सब सीखे हुए होते हैं गुर, आपसे ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं, तो इस चीज़ को आप सीखिए। यदि आप नहीं सीखोगे तो अपनी लाइफ में परेशान बने रहोगे ज़िंदगी भर, ठीक है ना। ऐसे सपने मत दिखाओ जो आपके बस का नहीं है या जो संसाधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, सीखे इन चीज़ों से। और कोई आपको ना कहता तो समझ लीजिए उसने वो चीज़ सीख रखी, उससे आप काम निकलवा भी सकते हो, पीछे पड़ जाओ उसके गर्दन में, उसका बस को पकड़ लो, ये टैटूआ जोंक बन जाओ, यहाँ का खून पूरा निकाल लेना इसका जब तक काम मेरा नहीं हो जाएगा, फिर देखो वो काम हाँ में बोले गए, जब तक हाँ ना बोले लगे रहो जोंक में, 15 बार अंदर बाहर जाओ, फिर लौट के आ जाओ, सर जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे लग रहा आप कर ही दोगे फिर कहेगा इसको निकालो सिक्योरिटी, इसे पकड़ो पहले ले जाओ बाहर, फिर सिक्योरिटी के पीछे पड़ जाओ, यार तुम क्यों बता रहे हो, काम तो तुम्हें नहीं करना ना, तो काम करवाने का तरीका है, काम करवा भी सकते हो और काम पे फंस भी नहीं सकते हो, ठीक है ना, ये चीज़ सीख लो। यदि ये सीख लिया फिर देखो आनंद लाइफ का, सबसे ना बोले बैठे हैं, टेंशन फ्री और सबके काम करते भी जा रहे हैं, रेस्पेक्ट भी बढ़ रही है और ना भी बोले बैठे हैं, समझो लाइफ का मजा। कोई उम्मीद भी नहीं आपसे लगाए बैठा और सबको उम्मीद से ज़्यादा देते जा रहे हो। घर का जो सबसे निकम्मा लड़का होता है ना, लोग कहते हैं कुछ भी कर ले, ये टाइम से उठ के खाना ही खा ले तो बहुत अच्छी बात है, उतने में खुश हो जाते हैं घर वाले, क्यों, क्योंकि सबको उम्मीद दिया ही नहीं किसी तरीके की, और बोल भी देते हैं मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, उम्मीद मत बंधाओ, लोग उम्मीद बंधा दोगे लोग आपको परेशान कर देंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत छोटी बात है लाइफ में, लेकिन लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लोगे लाइफ मज़ेदार बन जाएगी, ठीक है। चलो अब चलते हैं टॉपिक के अंदर।